राकेश जी आप लोग चल के मेरे रूम में सोइए ना, यहाँ पर क्यों? अरे नहीं धवल कुमार, आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए, अब हम लोग यही सो जाएंगे। बस अगर आपको एतराज ना हो तो ये सोफा थोड़ा हटा दें तो हम लोग यही गद्दे करके सो जाएंगे। जी बिल्कुल। काकी जी थोड़ी परेशानी हो गई ना, वो क्या है कि घर में इतने कमरे नहीं है। अरे धवल जी आप क्यों संकोच करें, सब कुछ अच्छे से हो तो रहा है, सब ठीक है। आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मेरा पूरा परिवार एक कमरे में सोया करता था। बहुत सारू लगे। मामी जी मैं आपको ही ढूंढ रही थी, वो रसोड़ी में सूजी पड़ी है, आप कहे तो मैं थोड़ा हलवा बना दूं। वो क्या है ना, मैंने सोचा हम सब साथ में हैं तो। बहाना मत बनाना, अपने ही पीहर में अपने ही धनी के लिए अगर तू कुछ बनाना चाहती है तो बना दो ना, तेरी मामी भी खुश हो जाएगी। कैम उर्मिला? हाँ गोपी बना दे, वो मेरा भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। गोपी भाभी अगर आप हलवा बना ही रही हैं तो अच्छे से घी डालिएगा और काजू किशमिश बादाम भी। अरे वो सब डालने की क्या जरूरत है, मतलब भाभी जैसे मैं आपसे कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसे कीजिए, क्योंकि आज ही शाम को मैंने सारा सामान मंगवाया है। गोपी भाभी घी डालने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, वैसे ही बनाइएगा जैसे हमारे घर में बनता है। ठीक इंजल पे गोपी दिख रहा, रुक, अब ऐसी हालत में तू क्यों तकलीफ कर रही है, अब तुझे तो आराम करना चाहिए, सबके लिए हलवा मैं बनाती हूँ। किंजल ये क्या बात हुई, उर्मिला बहन हलवा बनाने गई जबकि तुम्हें हलवा बनाना चाहिए, तुमने तो कहा नहीं, कम से कम जाकर अब उर्मिला बहन की सहायता करो, जाओ। जी चलिए भाई मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ना रेवा दे, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। ठीक है अगर आप चाहती हैं कि आप अपने समधियों की खुद ही खातिरदारी करें तो कीजिए, वैसे वो ड्राई फ्रूट्स उस ड्रॉर में। एक काम करती मैं ही निकाल के दे देती हूं, कहीं आपको नहीं मिले तो। ये रहे ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको फिर भी मेरे मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। घर घर की आवाज, ये काकड़ी और उसका वो नमूना छोटी काकड़ी, एक दिवस होना बता दाता तोड़ी नाखी, बड़ी खींची कपती रहती है। उर्मिला बहन ये खर खर। जी पेवान जी ये वाली आवाज। जी उर्मिला बहन। पेवान जी एमाशु कृपया करके संभाल के, क्या है कि मुझे कानों में कष्ट हो रहा है। अपन माफ करेगा पेवान जी, अपने घर में मैं अपने तरीके से काम कर रही हूँ। मैं मानती हूँ ये आपका घर है और आप अपने तरीके से ही काम करोगे,
वो बस मैं आपसे विनती करने आई थी। हलवा बनाओ और आवाज मत करो। विश्व